आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रोहित शेट्टी का रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 में हर हफ्ते कुछ नया होता रहता है। इस शो में ऐसे ऐसे स्टंट देखने को मिल रहे हैं जिसे देखते ही अच्छे अच्छे लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। अभी हाल ही में शो के दौरान टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रुबीना दिलायक घायल हो गई। इलेक्ट्रिक करंट स्टंट करते समय रुबीना दिलायक के साथ हादसा हुआ। इसने सभी कंटेस्टेंट को डरा के रख दिया है। अब इसी बीच एक और एक्ट्रेस स्टंट करने से डर गई, जिसके बाद शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रोहित शेट्टी का शो इन दिनों हर जगह खूब सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह खूब चर्चा हो रही है। दो टीमों को एलिमिनेशन स्टंट पार करना था। इसके लिए तुषार ने टीम से चेतना पांडे को मैदान में उतारा, तो वही मोहित मलिक की टीम से रुबीना दिलायक मैदान में आई। इन दोनों को इस एलिमिनेशन स्टंट के दौरान पानी के अंदर घूम रहे टम्बलर से 20 फ्लैग निकालने थे। चेतना पांडे स्टंट को पूरा नहीं कर पाए और वो शो से बाहर हो गए और रुबीना सेफ हो गई। यानी रुबीना से टक्कर के चलते चेतना शो से आउट हो गई। बता दें कि एलिमिनेशन स्टंट के द्वारा हर हफ्ते एक खिलाड़ी को शो से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। चेतना पांडे से पहले भी कई टीवी स्टार्स इस शो से बाहर हो चुके हैं। इस लिस्ट में शिवांगी जोशी, एरिका पैकर्ड, प्रतीक सहजपाल और अनेरी वरजानी का नाम भी शामिल है। बता दें कि जब से इस शो की शुरुआत हुई है तभी से टीआरपी में बना हुआ है ये शो। इस शो ने आते ही कई बड़े शोज को मात दे दी है। बताया जा रहा है कि रुबीना दिलायक इस शो में काफी आगे तक जाने वाली है। रुबीना के अलावा शो में जन्नत जुबैर, फैजू, मोहित मलिक और तुषार का टॉप 5 में जाना तय माना जा रहा है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि खतरों के खिलाड़ी 12 का खिताब किसके नाम होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।